नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी एग्जाम और आज की वीडियो में हम एक म्यूजिक रिएक्टिव ब्लिंकिंग एलईडी स्ट्रिप बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा जिस पे हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो और उसके बाद में हमें दो BC547 ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे। तो हम पहला जो ट्रांजिस्टर है उसको इसमें सेट कर लेते हैं। इसमें जो पहला जो पॉइंट होगा इस तरफ होगा, जो होगा एमिटर, फिर बेस और फिर कलेक्टर। तो और जो दूसरा जो ट्रांजिस्टर लेंगे हम, इसका जो बेस पॉइंट है वो पहले वाले के कलेक्टर पिन पे हम लगाएंगे और उसके एमिटर पिन को दूसरी तरफ रखेंगे और इसके कलेक्टर को हम आगे की तरफ निकाल देंगे। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, इन दोनों को एमिटर पे नेगेटिव लाइन दे देनी है। तो हम उसके लिए जम्पर वायर का यूज करेंगे। हम दोनों ट्रांजिस्टर को नेगेटिव सप्लाई दे देंगे। ये देखिए हमने नेगेटिव सप्लाई इनको दे दी है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, एक 500 किलो ओम रेजिस्टेंस लेना है और इसको पहले ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे लगा देना है। देखिए दोस्तों, हमने इसके बेस पॉइंट पे इसको लगा दिया है और एक और 100 के रेजिस्टेंस लेना है जिसको हम 500 के रेजिस्टेंस के साथ लगाएंगे और उसको पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने हमारे सर्किट को कुछ इस तरह बना लिया है। अब हम एक 100 नैनोफेरेड एक कंपेस्टर लेंगे और इसको पहले ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पे लगा देंगे और एक पॉइंट इसका बाहर रखेंगे। इसको हम कुछ इस तरह लगा देंगे। अब इसके बाद हम दो 10 के रेजिस्टेंस लेंगे, उनमें से एक को हम पॉजिटिव सप्लाई से इस कंपेस्टर के एक पॉइंट से मिला देंगे और जो दूसरा है उसको भी पॉजिटिव से लेकर के जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसके बेस पॉइंट पे लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने हमारे सर्किट को कुछ इस तरह से बना लिया है, आप देख पा रहे होंगे। ध्यान रखें कि कोई भी जो रेजिस्टेंस है या कोई अदर वायर है वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए। अब उसके बाद में हम एक माइक्रोफोन लेंगे और जो इसका जो नेगेटिव है वो हम नेगेटिव पॉइंट सप्लाई पे लगा देंगे और जो इसका पॉजिटिव जो है वो हम इस कंपेस्टर के एक वायर से जोड़ देंगे कि हम कुछ इस तरह इसको जोड़ देंगे। हमने इसको जोड़ दिया है। अब हम एक एलईडी स्ट्रिप लेंगे और इसको भी इसमें कनेक्ट करेंगे। इसका जो नेगेटिव वायर है उसको हम दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पे लगा देंगे और जो इसका जो पॉजिटिव वायर है उसको हम पॉजिटिव पावर सप्लाई में लगा देंगे। अब हमारा ये सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको पावर सप्लाई देंगे। तो अब हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो उसके लिए हमें कोई भी 3.7 वोल्ट बैटरी या 9 वोल्ट बैटरी का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक मोबाइल बैटरी का यूज कर रहा हूँ तो इसको ऐसे हम पावर सप्लाई दे देते हैं। तो अब ये हमारा जो सर्किट है वो
पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट है वो ब्लिंक बिल्कुल काम कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप घर पर बड़ी आसानी से एक म्यूजिक रिएक्टिव एलईडी स्ट्रिप बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.